दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। जो अपने आप को रिजिड रखता है और समय के साथ में नहीं बदलता है वो बहुत पीछे छोड़ जाता है। और यही फिर से एक चीज मैं रिपीट करूंगा कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो जिंदगी में अगर कहीं आप लोगों को लगे कि कुछ चेंज करना चाहिए तो आप लोगों को उसको चेंज कर लेना चाहिए। वो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो आप लोगों के बहुत प्यारी हो, बहुत करीबी हो, पर लेकिन उसके रहने की वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रही है, पर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़े रखना है। तो जो आप लोग उसको पकड़ने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में आप लोग अचीव कर पाएंगे पर लेकिन आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर वो चीज आप लोग पकड़े रहेंगे। आप लोगों ने सही समझा, मैं एक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूं। अभी एक बच्चे के द्वारा एक मेल किया गया, काफी लंबा, उसमें लिखा गया कि सर एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप में हूं और इस तरीके से जिंदगी चल रही है कि उससे बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर लेकिन अभी चल क्या रहा है कि हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जितना करना चाहिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बुरी बात पता है क्या है जो मुझे लगी, यानी कि उस बच्चे ने बोला कि सर बात तो करते हैं उस टाइम पर तो सही है, पर लेकिन जब बात करने के बाद में फोन रख देते हैं तो मेरे माइंड में चलती रहती है उस टाइम पर भी, ठीक है। और सेम फंडा जो है वो लड़की के साथ में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को बहुत लार्ज स्केल पर बर्बाद कर रहे हैं, वो भी आज के टाइम पर। अगर लाइफ में आप लोग सक्सीड हो जाओगे तो आप लोग एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिता सकते हैं, अगर आप लोग कोई ऐसा सपना है। पर लेकिन अगर जिस पैटर्न में आप लोग चल रहे हैं ऐसे तो आप लोग कोई सा भी कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे, ये इसकी गारंटी है, श्योर गारंटी है। अगर आप लोग इस तरीके कंडीशन में पड़े रहोगे, उसकी कहीं और शादी होगी, आपकी कहीं और शादी होगी, और फिर देवदास के गाने सुनते रहना। तो कंडीशन यहां पर सीधी सीधी ये है कि लाइफ में पहले आप लोग कुछ अचीव कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग अगर कुछ चाहते हैं अपने परिवार वाले से तो वो भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। और इसके चलते अगर आप लोगों को लगता है, उसके द्वारा एक कंडीशन लिखी गई ब्रैकेट में, सर वो दूसरी कास्ट की है, मैं दूसरा कास्ट का तो यार देखो आज की डेट में इस चीज का भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप लोग एक अपनी अलग कास्ट तैयार कर लेते हैं, वो कास्ट है गजेटेड ऑफिसर, तो गजेटेड ऑफिसर की कास्ट अगर आप लोगों के पास में आ जाती है, यानी कि आप लोग कोई स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस या फिर कोई भी गजेटेड एग्जाम आप लोग निकाल लेते हैं, एनडीए सीडीएस के थ्रू कोई अच्छी जगह आप लोग पहुंच जाते हैं, तो फिर लाइफ में एक अलग कास्ट आप लोगों की बन गई जिसके साथ में आप लोग शादी करना चाहेंगे, आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि रियलिटी में जो सोसाइटी वाली कास्ट है अगर उससे आप लोगों को ऊपर उठना है तो आप लोगों को अपनी अलग से कास्ट बनानी पड़ेगी, जिसको आप लोग बोलते हैं गजेटेड कास्ट, ठीक है। और ये रियलिटी है, वहां पर सारी कास्ट पीछे छूट जाती है, वो एक ऐसे मैच्योर सोसाइटी बन जाती है वहां पर कि जो इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर रियलिटी में चेंज लाना चाहते हैं तो इन चीजों को समझिए और लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, और फिर लाइफ में जो भी अचीव करना है आप लोग उसको करिए, वरना जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी। एक बच्चे के द्वारा ये मेल किया गया, और पहले भी ऐसे कई मेल आए, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बोला इनके द्वारा ये गया कि सर आपका जो कंटेंट है, जो अभी आप लोग यहां पर पढ़ाते हो नैनो मैगजीन के अंदर में, वो जो है दिल्ली में पब्लिश किया जाता है, जो मैगजीन है यहां पर केबीसी नैनो करके उसके अंदर में, और ये ऐसा नहीं कि वो पब्लिश किया जाता है, मतलब पूरा कॉपी किया जाता है एक तरीके से, ठीक है, और फिर उसको बेचा जाता है मार्केट में। तो देखिए यार, हर एक इंसान जो है कुछ ना कुछ अपना एक जुगाड़ ढूंढ रहा है कि कैसे उसकी जिंदगी चलती रहे, पर लेकिन आप लोगों को ये समझना है खुद से। इसीलिए तो देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सही और गलत में डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज अगर मार्केट में बेची जा रही है, आप लोग इसको धड़ल्ले से जाकर खरीदते हो कि हाँ यार ये तो पैसे में मिल रही है, और वही चीज जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देता हूं तो उसमें ये लगता है कि फ्री में है। आप लोगों ने देखा ना, फ्री की चीज को थोड़ा सा इंसान की एक नेचर भी होता है, अगर आप लोगों को कोई चीज फ्री की मिल जाती है तो उसमें इंसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए फ्री में दे रहा है, वरना फ्री में कौन देता है, ठीक है। पर वही हूबहू अगर उसका कुछ प्राइस रखे जाए तो अंदर से एक वो भी आ जाता है कि हाँ यार पैसे की है, ठीक है। दूसरी एक और बात यहां पर मैंने देखी, कई सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया, उसमें एक पैटर्न सा मुझे देखने को मिला कि एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर अभी कोचिंग के जो क्लासेस ले रहा है करंट अफेयर की, और वो यकीन नहीं मानोगे काफी महंगी है, यानी कि 10,000 से भी ऊपर जा रही है वो क्लास, तो वो उसको एंजॉय कर रहा है और उसके लिए वो प्रॉपर पैटर्न में पैसे दे रहा है, पर लेकिन जब उसको लगा, उसने पहले मेरी क्लास नहीं देखी थी, फिर उसने मेरी क्लास देखी तो फिर बोल रहा है कि सर ये तो कंप्लीटली कॉपी पेस्ट किया जा रहा है आपकी क्लास का, मुझे तो लग रहा था सर मैं बहुत अच्छी क्लास कर रहा हूं। तो आप लोग ये समझिए, आप लोगों को अगर कोई कॉन्टेंट अगर इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, इतने रेगुलरली इतना सटीक कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब उसको आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए उस कंटेंट को। उसको ये मत सोचिए कि फ्री का कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट फ्री का नहीं है, जो इंसान इसको प्रोवाइड कर रहा है उसने इस कंटेंट की कीमत जो है वो अपनी कीमत देकर उसको फ्री किया है। यानी कि वही बात हो गई कि आपको हवा जो मिल रही है, पानी जो मिल रहा है वो फ्री का नहीं है,
आप लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उसकी कीमत आप लोगों को अभी दिख नहीं रही है। जिस तरीके से अभी सिलेंडर आए, जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो कीमत समझ में आ गई ना, हवा की क्या कीमत थी, पानी की कीमत भी ऐसी समझ में आ रही है, दूध की लीटर की, दूध के एक लीटर से ज्यादा आप लोग आने वाले टाइम में कई जगह कई सारी पानी की बोतल देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। तो जो चीजें आप लोग कर रहे हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोग ये देखिए कि एक तो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ से और दूसरा है रियलिटी में कंटेंट क्या है, उनको दोनों को मैच कीजिए, ठीक है। तो आप लोग अगर अपना कहीं पैसा बचा सकते हैं, मान लीजिए कुछ और चीजें आप लोग खरीद रहे हैं, वो आप लोगों की जरूरत है उसको खरीद लिए, पर जो चीज आप लोग ऑलरेडी मिल रही है उसमें आप लोग क्यों अपने माँ बाप के जो पैसे हैं उनको बर्बाद करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छी चीज आप लोग को मिल रही है। एक तो है कि मिल नहीं रही है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर तो सही है यार, मिल नहीं रही है खरीद लेते हैं, पर लेकिन जब ऑलरेडी मिल रही है और वही चीज सामने वाला दे रहा है और वही चीज यहां पर मिल रही है, तो कम से कम इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ये एक जरूरी है कि जैसे कि मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, अगर मंथली इसको एक प्रॉपर मैगजीन बनाकर मैं आप लोगों के सामने रख दूं तो वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये पॉलिटी की न्यूज हो गई, ये इकोनॉमी की न्यूज हो गई, ये वो न्यूज हो गई, तो उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। पर लेकिन उसके लिए फिर टीम लगती है, और फिर जब टीम लगेगी कोई काम करेगा बैठ के मेरे पास में, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो फिर मुझे उसका प्राइस रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मिले आप लोग अगर उसको एंजॉय कर सकते हैं रिविजन के थ्रू, अपना आप खुद थोड़ी सी खुद मेहनत कर ले, तो वो एक अच्छा तरीका रहता है। जो चीज मैं नहीं करना चाहता हूं फिर वो चीज करनी पड़ेगी। अगर कोई टीम रहेगी तो यार उस वो ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब 5-6 बंदे मैंने अपने नीचे रख लिए, उनको कहां से पैसे ला कर दूंगा। तो इसीलिए चीजें जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम कर सकता हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फिर सारी चीजों में अलग से टाइम लगेगा और मेरा टाइम जो है वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है आज के डेट में कि उसमें से मैं और टाइम निकालूं तो मुझे टफ लगने लगती है चीजें कि अब इसको कहां पे एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप लोगों के सामने जैसे कि रिवीजन की वीडियो आती है मंथली, ठीक है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, उसमें अच्छा अच्छा एक जो क्रिप्स पॉइंट निकाल के रख दिए ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो इन पर ट्रस्ट कीजिए, और रियलिटी में एग्जाम बच्चे निकाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेगुलर में मेल आते रहते हैं, आप लोगों को पोस्ट भी करते रहते हो टेलीग्राम में कम्युनिटी टैग में, तो वही चीजें हैं यार। जो भी चीज आप लोगों के पास में ना उन पर ट्रस्ट कीजिए, यानी कि आप लोग जैसे मम्मी पापा ने आप लोगों को जो सामान दिला रखा है, किसी और के आपके मम्मी पापा ने साइकिल दिला दी नॉर्मल सी, किसी और के ने उसको रेंजर साइकिल दिला दी, आप लोगों को लग रहा है यार वो वाली बड़ी अच्छी है, अरे अपनी वाली पर ट्रस्ट करो यार, आपकी भी अच्छी है, आप लोग उसको यूज तो करिए, वही काम वो करेगी, वही वाली वो करेगी, बस आप लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। कई सारे बच्चे इसके बारे में कई बार बातें करते रहते हैं, पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ और नई चीज दिख गई तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो जिंदगी में थोड़ा सा पेशेंस लाइए, बहुत आगे जाओगे। काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये ओवरव्यू है लेक्चर का क्वेश्चन की फॉर्म में, जो आप लोगों को काफी कुछ सिखाएगा। सबसे पहले यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत, ये बताना है। CARA ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। अगर कोई बच्चा आप लोगों को गोद लेना है, कोई अनाथ बच्चा, तो यहां पर हमारी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी शानदार डिस्कशन रहेगा इसका। युवा के बारे में बात की जा रही है, युवा क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा इंक्रीज किया गया यंग राइटर मतलब अंडर 30, यानी कि 30 साल की एज के अंदर अंदर जो भी अगर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों को कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, आप लोग ये किताब जो है पब्लिश करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट के थ्रू। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसमें आप लोग अगर उन हीरो के बारे में यहां पर बताएं जिनके बारे में किसी ने कोई ज्यादा बात नहीं की हिस्ट्री के अंदर, और अपना खुद का एक रिसर्च करके आप लोग पब्लिश कराएं, तो आप लोगों की किताब जो है यहां पर पब्लिश की जाएगी। तो 75 ऐसे लोगों की किताब पब्लिश की जाएगी, क्योंकि 75वां आजादी का हम लोग सालगिरह सेलिब्रेट करें, तो उसी के चलते ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो काफी बेहतरीन प्रोग्राम लगा पर्सनली मुझे, बाकी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अपना अगर आप लोगों को लगता है कुछ भी ऐसा है तो आप लोग इसमें जरूर एक तरीके से आप लोग यूज करिएगा। मेरे पास में टाइम नहीं है वरना इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता, पर हाँ आप लोग अगर चाहें कोई ऐसा पर्सन है जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखता है हिस्ट्री में अच्छा खासा, उसको ये बात जरूर बताइएगा कि आप भी अपनी किताब यहाँ पर अपनी किताब जो है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली उसको पब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कोई खर्चा नहीं रहेगा आप लोगों का, और वो पब्लिश भी होगी तो रिकॉग्नाइज भी आप लोगों को किया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 2018 का, उसमें ये बोला गया कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए जो कोर्ट के अंदर जो भी यहाँ पर डिस्कशन चलते हैं, ताकि जनता समझ सके। और ये किस आर्टिकल के तहत लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मुझे लगता है कि संविधान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एक ऐसा आर्टिकल है जिससे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं पर लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बंगाल जो है जो सेंट्रल और गवर्नमेंट के बीच में
स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी चल रही है। तो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जिनके द्वारा अभी अपनी सर्विस त्याग दी गई थी यहां पर, तो सेक्शन 51 के तहत कौन से, ये एक्ट का 51 है जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया एक सेक्रेटरी को कि उनके द्वारा जो भी सो कॉज नोटिस उनको दिया गया जिसके द्वारा उनके द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए, तो इसी के बारे में जानेंगे आखिर कहां कहां पर यहां पर इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सो कॉज नोटिस दे सकती है। कल को चलकर अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर बैठते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहां पर पंगे लेने और कहां पर नहीं लेने, ठीक है, तो आप लोग इसको जान पाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर 1000 अभी जो अंडर रैंकिंग है उसमें हमारी कंट्री की एक रिसेंटली अभी एक यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसके अंदर में, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब बात करें यहां पर इंडियन इनिशिएटिव के बारे में, तो इसके बारे में बताइए कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है वीनस के लिए 2024 में छोड़ा जाएगा हमारी कंट्री के द्वारा, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो ये कई सारी प्यारी प्यारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को जानने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करेंगे एक एक कर। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से बात की है उसी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। हमारे कंट्री में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग आजादी के 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2022 में, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दी है। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में इसका जो नाम रखा गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव जिसमें 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हमारी कंट्री के कुछ ऐसे हीरो जिनके बारे में हिस्ट्री में ज्यादा नहीं लिखा गया, कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, जिसको हिस्ट्री ने कहीं ना कहीं भुला दिया है, कोई भी ऐसा नेशनल मूवमेंट का इंसिडेंट जो आप लोगों को लगता है जिसके बारे में बात की जा सकती है, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो युवा करके यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर, यानी कि एक यंग जनरेशन के जो ऑथर हैं जिनकी एज जो 30 ईयर के लगभग अंडर है यहां पर, ये वो यहां पर इसके ऊपर अगर कोई किताब लिखते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा यहां पर, उनको यहां पर जो आज के दिन में सपोर्ट किया जाएगा ताकि यहां पर आगे चलकर अगर कोई ऑथर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से उनकी मेंटरशिप भी की जाएगी ताकि उनको गाइड किया जा सके आगे। और अच्छी बात यहां पर यह, नॉर्मली अगर आज के दिन में आप लोग अपनी किताब लिखते हैं और उसको पब्लिश करते हैं तो आप लोगों की काफी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत उसके अंदर लग जाएगी। अभी यहां पर यह सारा काम कौन कर रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, किसके थ्रू, यहां पर यह नेशनल बुक ट्रस्ट के थ्रू। और यहां पर यह किसके अंडर में आते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं जो कि पोखरियाल निषाद साहब के अंडर में है। तो ये यहां पर पूरा काम कर आप लोगों को देंगे, आप लोगों की टेंशन कुछ नहीं है, बस आप लोग क्या करना है, एक अच्छी सी किताब लिखकर यहां पर आप लोगों को इनके सामने रखनी है। और अगर आप लोगों की किताब जो है वो पब्लिश हो जाती है तो फिर देखिए कि बल्ले ही बल्ले हो गए एक तरीके से, ऐसा समझिए, और वो भी उनके लिए जो एक राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसके चलते यहां पर ये अभी चीजें जो है वो की जा रही है। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की कल्चर भी लोगों के सामने आएगी, तो इसके चलते आप लोगों को पता ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला जो फंडा है वो यहां पर और अच्छे से हम लोग सामने रख पाएंगे। तो जो युवा जिसको बोला गया यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर जो है यहां पर, ये तो टोटल मिलाकर 75 युवा ऐसे ऑथर हैं जिनको यहां पर चूज किया जाएगा, छांटा जाएगा इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इसके चलते यहां पर ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा आप लोगों, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहां पर जाना है आप लोगों, ये है माई गव, ठीक है। तो जो mygov.in करके यहां पर ये वेबसाइट है, इस पे जाकर आप लोग यहां पर इस कॉन्टेस्ट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 जून से लेके 31 जुलाई 2021 तक यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं। विनर जो है उनको अनाउंस किया जाएगा यहां पर 15 अगस्त 2021 में उनको अनाउंस किया जाएगा। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी, यहां पर एक तरीके से आप लोग समझिए कि कोई भी अगर एमिनेंट ऑथर है उसकी मेंटरशिप में आप लोगों को रखा जाएगा। इसी के साथ में पब्लिकेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो यहां पर ये रिलीज किया जाएगा किसके द्वारा, यहां पर हमारी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त 2021 में। इसी के साथ में यहां पर जो बुक पब्लिश की जाएगी यहां पर, ये 22 जनवरी 2022 में, जब यहां पर नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो उसके चलते हम लोग यहां पर जो युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो उसमें यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अच्छी बात क्या है कि यहां पर 50,000 पर मंथ आप लोगों को मिलने वाले हैं आने वाले 6 महीने तक का, अगर आप लोग जीत जाते हैं इस जो प्रोग्राम को, यानी कि जब यहां पर यह प्रोग्राम अनाउंस किया जाएगा उसके अंदर अगर आप लोग जीत जाते हैं तो 75 ऐसे राइटर को 50,000 रुपए पर मंथ यहां पर मिलेंगे वो आने वाले 6 महीने तक का। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर कि 3 लाख रुपए की एक स्कॉलरशिप यहां पर दी जा रही है जो कि इंस्टॉलमेंट में दी जा रही है 50,000 रुपए पर मंथ से। तो अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए फायदा क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिकली एक तो आप लोग यहां पर 3 लाख रुपए जीत पाएंगे, दूसरा आप लोग क्या कर पाएंगे अपनी हिस्ट्री की, अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो उसकी अच्छी प्रिपरेशन भी आप लोगों की हो जाएगी अगर उसके ऊपर आप लोग काम करते हैं। तो इसमें आप लोग एक एफर्ट डाल सकते हैं
और अगर आप लोगों की बुक पब्लिश हो जाती है, खुदा ना खास्ता माने की बुक पब्लिश होगी आप लोगों की, तो इससे समझिए कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका नाम खुद अपने आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लिया जाएगा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड उनको देखेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा था जिसने द्वारा यहाँ किताब लिखी गई थी। तो सोचिए इस तरीके से कितना एक अच्छा, एक सुनहरा एक मौका आप लोग बोल सकते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करने का। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है, बाकी आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं यहाँ पर। और हाँ, आप लोग खुद अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप लोग लगता है कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड है, उसको जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, तो ताकि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो इसके चलते मैं चाहता हूँ कोई ना कोई कम से कम SLV आर्मी का जो पर्सन है यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, एक कम से कम 75 में से एक अवार्ड तो कम से कम SLV आर्मी के नाम पर आना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में इसको ढंग से डिटेल में शेयर किया है। अगर कोई है ऐसा जो इंटरेस्ट रखता है हिस्ट्री में, या कोई बड़ा भाई है जिसका मान लो कि उसकी एज जो है ज्यादा हो रखी है, और वो अपने छोटे भाई की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और इस तरीके से किताब लिखी जाए, तो उसमें भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं, वो पढ़ाई की चीजें, वही के आम के आम और गुटलियों के दाम वाली कहावत सुनिए, पैसे के पैसे आएंगे, आप लोग उससे अपनी पढ़ाई अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं आगे चलकर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऊपर से कोई ऐसा नहीं कि गलत जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो उसके सामने आप लोग समझिए किसी एक महान पर्सनैलिटी के द्वारा बोला गया था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अपनी पढ़ाई के अंदर, क्योंकि वो आप लोग की लाइफ बनाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लगता है इसके अंदर कुछ खर्च भी करना है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ किताबें लेकर आनी आप लोगों, किसी से गाइडेंस लेना है, तो उसके अंदर जरूर आप लोग इनपुट दीजिएगा, अगर जीत जाएंगे तो एक अच्छा मौका आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा अभी अनूप चंद्रा पांडे को अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में एक तीन मेंबर की बॉडी होती है, तीन मेंबर की बॉडी में एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अभी इनको बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो इनका अपॉइंटमेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये अपॉइंटमेंट किसके बेस पे किया जाता है तो ये याद रखिएगा, तो आर्टिकल 320 जो 4 है उसके हिसाब से यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर नाम बोलते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। बाकी ये एक ऐसी बॉडी है हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराती है, और 6 साल या फिर 65 साल जो भी पहले हो जाए ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों को रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो आप लोग यहाँ पर एक तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। संविधान के अंदर कोई ऐसी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है इसके लिए कि हाँ आप लोगों लिख रखाएगी इसको यहाँ पर ये पोस्ट आप लोगों को देनी है, तो ये इसलिए आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बल्कि आप लोगों से यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन क्या अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी उठाया गया था कि आज की डेट में अगर बात की जाए कि हमारी कंट्री में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करते हैं, तो कम से कम एक काम यहाँ पर होना चाहिए, वो ये है कि आज की डेट में हम लोगों को इनके लिए भी एक अपॉइंटिंग बॉडी होनी चाहिए जो प्रॉपर वे में एनालिसिस करके अपॉइंट करें, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे रखी अपॉइंट करने के लिए। तो इसके चलते कल को जो कई बार देखा भी जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर फील करते हैं गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पर पावर में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया गया, तो एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में भी कई बार बात की जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ कंसर्न लिखने के लिए आ जाए यहां पर इसके बारे में, जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात की जाए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि अगर आज की डेट में कोई यहां पर इलीगल तरीके से अडॉप्ट कर रहा है किसी बच्चे को, तो यहां पर उसके ऊपर ध्यान देना है, कोई भी ऐसा इलीगल अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। जो भी अडॉप्शन होगा वो यहां पर CARA के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके एक प्रोसीजर है, उसके प्रोसीजर के थ्रू जाना है यहां पर, जो जो भी क्राइटेरिया इसके द्वारा रखे हुए हैं वो पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना है। इसके अंदर आप लोग रजिस्टर करिएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप लोग किस तरीके पेरेंट हैं, आप लोग उस बच्चे को जो उसका बच्चे का जो जिंदगी है वो बर्बाद तो नहीं करेंगे, उस बच्चे को कैसे लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से चीजें की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में। तो इसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है ताकि अभी COVID-19 के चलते, देखिए ऐसा पहले भी हुआ था 2004 में जब हमारी कंट्री में सुनामी आई थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, तो उस टाइम पर भी ऐसी मुहिम चली थी कि बच्चों को गोद लिया जाए जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है। अभी COVID-19 के चलते सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो अभी भी फिलहाल वही मुहिम चलाई जा रही है। पर लेकिन मुहिम में ये बात ध्यान रखनी है कि गलत तरीके से कोई बच्चा किसी के गलत हाथ में ना फंस जाए, तो वो देखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत यहाँ पर जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एक्ट 2015 का, उसके तहत फिर यहाँ पर वरना चीजें देखने को मिलेगी। तो रजिस्टर कराना है तो यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से चीजें की जाए।
अभी यहां पर हालांकि बात किया गया था इंडिविजुअल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो भी बच्चे को अडेप्ट कर सकते हैं विद इन या फिर आउटसाइड कंट्री। पहले ऐसा था कि यहां पर शादीशुदा के लिए थी चीजें, अब यहां पर लिव इन रिलेशनशिप वालों को आप लोगों को पता भी अभी कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई थी कि अगर कोई पर्टिकुलर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको शादी की तरीके से उसको कंसिडर किया जाए, यानी कि उसको मैरिज के तरीके से कंसिडर किया जाए, तो ये उनका हक है, वो अपनी जिंदगी को कैसे बिताना चाहते हैं ये उनका राइट है, तो उसके ऊपर आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसी भी बातें देखने को मिली, तो इस कोई सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आती है तो कोई कंफ्यूजन नहीं माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो जो CARA है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं कैसे एरिया में आ गए हैं, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर लाइफ में आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोगों को पर्टिकुलर एक पोस्ट पर ही होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं। ऐसा ही एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी एप्पल के बारे में, पहले एप्पल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग आम खाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज होगी वो एप्पल के बारे में होगी, उससे पहले आप लोग को आम का मजा चखाता हूं, ठीक है। अभी बात की जा रही है यहां पर मैंगो के बारे में। मैंगो मुझे मतलब पर्सनली देखिए मोदी जी को तो पसंद है ये आम, मुझे भी पसंद है आम, ठीक है। आम और एप्पल काफी अच्छे लगते हैं पर्सनली अगर बोला जाए तो, ठीक है। बात की जा रही है जो मैंगो है यहां पर, ये यहां पर बेसिकली एक्सपोर्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री से अलग अलग एरिया में, तो खासकर वो मैंगो वगैरह एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा होता है, खासकर जिससे हमारे देश का नाम भी बदनाम नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है जिसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग क्या होता है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलूं तो भौगोलिक संकेतक, ठीक है। तो भौगोलिक संकेतक का दर्जा जिसको मिला होता है, और भौगोलिक संकेतक का दर्जा किसको मिला होता है, कुछ ऐसा आम, कुछ ऐसी वैरायटी जो कि एक पर्टिकुलर एरिया का कुछ डिफरेंट हो, उसके अंदर कुछ मिठास थोड़ा ज्यादा हो, उसके अंदर कुछ अलग टेस्ट हो जो कि नॉर्मल आम से थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसके तहत आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते कई सारी जो मैंगो की वैरायटी है, अगर इस पर्टिकुलर एरिया से आप लोग आते हैं वेस्ट बंगाल से या फिर बिहार से, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहला जो बात की जा रही है ये सर्टिफाइड किया गया, इसका नाम है यहां पर खीरा शक्ति, ठीक है। एक यहां पर बात की जा रही है, ये है यहां पर लक्ष्मण भोग, यहां पर ये है वेस्ट बंगाल से निकल कर आते हैं, और बाकी जो जर्दालू है ये बिहार में, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। तो ये जो वैरायटी है ये यहां पर कहां पर एक्सपोर्ट की जा रही है, ये बहरीन में एक्सपोर्ट की जा रही है। एक बार मैप में आप लोगों को दिखा देता हूं पर्टिकुलर कंट्री को, अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ई है यहां पर बहरीन, ठीक है, तो ई है हमारा गोला और ई है बहरीन, ठीक है, और ई है हमारा बहरीन, ओके। तो पर्शियन गल्फ में आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिलेगी, तो ये हो गया यहां पर बहरीन, ठीक है। तो बहरीन जो है यहां पर मनामा इसकी कैपिटल है, बाकी कतर हो गया, इसकी कैपिटल दोहा देखने को मिलेगी। तो पर्शियन गल्फ के अंदर ये कंट्री, एक बेसिकली पर्शियन गल्फ के अंदर ये कंट्री है। तो इंडिया से जो मैंगो की प्रजाति है यहां पर वो एक्सपोर्ट की जा रही है, तो याद रखिएगा यहां पर इनका नाम, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से और बिहार से बहरीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैंगो जो है इंडिया में उसको किंग, इसको किंग ऑफ द फ्रूट्स बोला जाता है, यानी कि जो है फलों का राजा बोला जाता है आम को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, यहां पर बेसिकली जो बेसिकली काल्पा जो यहां पर विरसा है, काल्पा विरसा जो रेफर किया था इसको बेसिकली, यानी कि विश ग्रांटिंग ट्री, यानी कि विश मांगी जाए, एंशिएंट टाइम में ही माना जाता था कि वो इच्छाएं पूरी करने वाला आम भी इसको बोला जाता था पुराने टाइम में। इंडिया में जो मैंगो की प्लांटेशन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, इसी के साथ में तोतापुरी, इसी के साथ में ये है यहां पर बंगानपल्ली, ठीक है। तो यहां पर ये कई सारी जो वैरायटी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट की जाती है, तो ये फ्रेश मैंगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंगो पल्प्स हो गया या फिर आप लोग मैंगो स्लाइस हो गया, आप लोगों ने देखा ना माजा वगैरह जो पीते हैं कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इन्हीं से बनाई जाती हैं, बोला तो यही जाता है, बाकी तो पता नहीं यार ये बनाते भी हैं कुछ और ही मिलाते हैं उसके अंदर। आप लोग कोशिश क्या करो कि जूस से ज्यादा बेटर है कि आप लोग ओरिजिनल चीज में फ्रूट खाओ, यानी कि आप लोगों को बनाना शेक पीना है, बनाना शेक से ज्यादा बेटर है कि आप लोग डायरेक्ट बनाना खा लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बनाना शेक के अंदर क्या रहेगा, एक्स्ट्रा एडिड शुगर मिलेगी आप लोगों को जो बॉडी के लिए सही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बनाना खाइए ना। इसी तरीके से अगर मैंगो खाना है तो मैंगो शेक से ज्यादा बेटर है कि आप लोग मैंगो खाइए डायरेक्ट, ठीक है, या फिर खुद से अपने घर पर बनाइए। मार्केट में ये चीजें जो रहती है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रखिए, क्योंकि उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव कई सारे ऐड कर दिए जाते हैं, टेस्ट बनाने के लिए उसके अंदर कई सारी चीजें ऐड की जाती हैं, तो अपनी सेहत आपके हाथ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक महान किसान के बारे में जिनके द्वारा अब एप्पल की एक ऐसी वैरायटी को भी खोज निकाला गया है जिसको आप लोग एक ऐसे एरिया में भी उगा सकते हैं जहां पर टेम्परेचर जो है 40 से 50 डिग्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली एप्पल आप लोग कंट्री में हो कहां पर होता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, काफी लार्ज स्केल पर एप्पल उगाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जब कभी घूमने जाऊंगा तब मैं देखूंगा, कोई अगर जम्मू एंड कश्मीर से है हमारे जो SLV आर्मी मेंबर तो मिलिएगा उस टाइम पर, एप्पल खिलाना अपने एरिया के, ठीक है। वैसे मैं गया हूँ जम्मू एंड कश्मीर पर, काफी छोटा था उस टाइम पर, पापा की जो पोस्टिंग थी
तो यहाँ पर जम्मू के अंदर में जब आर्मी में थे पापा, अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो उस टाइम पर गया। उस टाइम पे बहुत छोटा था, पता नहीं कहाँ कहाँ पर रुके, क्या क्या चीजें, याद भी नहीं है अब तो। बस हाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं माइंड में दुधला दुधला सा, जो अच्छा ये आर्मी के क्वार्टर है और आसपास में स्कूल था, चाहे यहाँ पर एक राशन की गाड़ी आया करती थी, ब्रेड वगैरह जैम वगैरह, उसके घर के पीछे एक बेरी का पेड़ हुआ करता था, तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें याद है। पर लेकिन हाँ ये नहीं कि एग्जैक्टली वो नहीं कि कहाँ से कैसे हैं, तो स्कूल में जाया करते थे, तो आर्मी की वैन में जाया करते थे, तो वो सारी चीजें कुछ कुछ याद है, ठीक है, पर लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर वो चीजें, तो फिर अभी कभी अब घूमेंगे तो अब अच्छे यादें ताजा करके लेकर आएंगे बकायदा। वो नहीं कहते कि फोटो वोटो खींच के लेकर आएंगे कई बार। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर डेवलप किया गया इनोवेटिव सेल्फ पोलिनेटिंग जो एप्पल है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो वेरायटी है, जो कि एक ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर एक ठंडे इलाके में ही होती है, यहाँ पर जो बेसिकली 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, यानी कि दूसरे एरिया में भी इसको उगाया जा सकता है आज की डेट में। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर बात करें, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, तो इन एरिया में भी यहाँ पर अब इसको उगाया जा सकता है, जहां पर अब तक बात करें ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो यहां पर ये श्री जिनका नाम है हरिमन शर्मा, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर एक नई वैरायटी खोज निकाली गई है, जिसको HRMN99 बोला गया है। तो ये वैरायटी का नाम है एक एप्पल की वैरायटी, देखिए बिलासपुर जो कि देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनके द्वारा यहां पर ये अभी सामने निकालकर वैरायटी लाई गई है। ये जो पर्सनैलिटी है जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, इनका नाम हरिमन शर्मा है, इनके द्वारा नेशनल अवार्ड मिल चुका है 2017 में, जब 9th नेशनल जो बैनियल जो ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज के जो अवार्ड दिए गए थे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसमें इनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बात मैं बोल रहा था, ऐसा नहीं है यार आप लोग मतलब अगर जहां पर भी है अगर मन लगाकर काम करेंगे तो वहां से आप लोग झंडे गाड़ सकते हैं, पर लेकिन आप लोग को उस चीज में उस काम में करने में मन तो होना चाहिए। अगर काम करने का मन नहीं है तो फिर झंडे नहीं, फिर तो बस अंडे उखड़ेंगे। अगर आप लोग का मन नहीं है, जबरदस्ती वाली बात नहीं होती वो, हाँ बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार, करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे जिंदगी मत जियो, जो कर रहे हो ना उसको ऐसे करो कि आप बस कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमारा मन कर रहा है करने का इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली फीलिंग लेकर आओ फिर देखो मजा आएगा। ओके आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है यहां पर इंडियन नॉन बासमती राइस के बारे में, तो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, कंसाइनमेंट देखने को मिला है यहां पर अभी, जो एक्सपोर्ट किया गया यहां पर हमारी कंट्री से, कहां पर, घाना और यमन के अंदर में, तो घाना और यमन के अंदर यहां पर ये चीजें पहुंचाई गई हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री का जो ये चावल है ये काफी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो तमिलनाडु से जो स्टार्टअप वगैरह है जिसका नाम उदय एग्रो फार्म, ठीक है, तो वो यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आप लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी, तो ये क्या हो गया, इस एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, तो यहां पर भी आप लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आईटी में ही स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं आज के डेट में तो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर हमारी कंट्री में जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो कई सारे ऐसे एरिया में यहां पर गवर्नमेंट आप लोग को अच्छा खासा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जाए यमन, आप लोग देखते हैं ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये हो गया यहां पर यमन, ठीक है, तो यहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरा है घाना, अब घाना कहां पर है ये आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को मैप दिखाऊं, चलिए दिख रहा है घाना कहीं यहां पर, ये इस एरिया में देखिए, दिखेगा कहीं पर आप लोगों को, दिख गया नहीं दिखा, चलो दिखा देते हैं जूम करके, थोड़ा सा जूम हो जा भाई साहब, उन्हें कहते हैं खुल जा सिम सिम, हो जा जूम जूम, एक सेकेंड रुक दे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये हो गया घाना, ठीक है, तो एक तो घाना में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरा यहां पर ये हो गया यमन, तो यहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये नीचे हो गया, ये हो गया गल्फ ऑफ एदन और ये हो गया रेड सी, तो ये पर्टिकुलर एरिया भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो इसके एरिया में हम लोग अभी यहां पर चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना, तो ये जो चावल है इसके अंदर प्रोटीन फाइबर और जो वैरायटी ऑफ मिनरल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो विलेज राउंड जो विलेज राइस है यहां पर सोर्स है डायरेक्ट, अगर फार्मर से अगर बात करें थंजावुर वाले एरिया से तमिलनाडु से, जिसको राइस ऑफ बोल का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, तो कुछ बातें हैं यार, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गए, तो भाई साहब यहां से बन गए, फिर बोलोगे कि वीर सर ने बताया नहीं, बताया तो था भाई साहब, आप लोगों ने रिविजन नहीं किया, बहुत बहुत बोला था रिविजन कर लो, फिर बोलोगे कि रह गए सर, ऐसे मैसेज लिखते हो, फिर सिलेक्शन वाले मैसेज लिखा करो तो मजा आता है, ठीक है, वैसे कोई नहीं, चलिए अच्छे हैं, अपनी लाइफ का थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ओके आइए अब चलते हैं डिटेल वाली न्यूज के बारे में, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा मगजमारी करते हैं, बड़ी ही प्यारी प्यारी न्यूज है यार, कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए, इसी के साथ में ऐसे में फिर इंटरव्यू में कोई आप लोगों से कुछ बातें पूछे तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। ब्रिक जिसको बोलते हैं ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, तो ये जो एक्रोनिम है इसमें से ब्रिक निकल कर आया, तो फॉरेन मिनिस्टर की इनकी मीटिंग हुई अभी यहां पर, जिसमें इनके द्वारा बोला गया कि मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो करेंगे, बायलेटरल की बात की सुनिए आप लोगों ने, बायलेटरल
बायलेटरल का मतलब होता है कि दो कंट्री या फिर उससे ज्यादा आपस में मिलकर बात करती हैं, तो इसका मतलब मल्टीलेटरलिज्म का मतलब कई सारी कंट्री मिलकर सामने निकल कर आ रही है, किसी एक कंट्री की दादागिरी नहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले यूएसए और यूएसआर की दादागिरी चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, नहीं, उससे आगे निकल जाओ। अब यहां पर प्रॉपर जो कंट्रीज है वो मिलकर काम करेगी, थ्री और थ्री से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मल्टीलेटरलिज्म में चीजें देखने को मिलेगी ऐसे। तो यहां पर क्या रहता है, आखिर क्या चीजें निकल कर आती है? एक तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि दो कंट्री जो बोल दे वही चले गए, यहां पर कमिटमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। जैसे मैं आप लोगों से कुछ चीजें सीखता हूं, आप लोग कई बार कई सारे अपने जो राय है शेयर करते हैं, कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस बताते हैं आप लोग, ठीक है, कई सारी चीजें क्वेश्चन भी पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है मुझे भी नहीं पता होता है तो मुझे उसके बारे में पढ़कर एक नई नॉलेज मिलती है। तो ऐसा नहीं कि टीचर ही बच्चों को सिखाता है, बच्चे भी टीचर को बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ये टू वे प्रोसेस है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज यहां पर होता है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो सिस्टम है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है, पर्टिकुलर मोड उसको देखा जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह कि सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है जो भी प्रॉब्लम है, और वो आसानी से निकाला जाए, एक पर्टिकुलर कंट्री की दादागिरी नहीं चलेगी। पोस्ट कोल्ड वॉर यहां पर बोला गया, जब यहां पर यूएसएसआर का विघटन हो गया 1990s में आकर, तो बोला गया कि मल्टीलेटरलिज्म फॉलो करना है। अब यहां पर ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री आकर दादागिरी दिखाएगी, तो ऐसे कई सारे ग्रुप बन गए, उनमें से ब्रिक भी एक ग्रुप सामने निकल कर आया। तो ब्रिक जो था फर्स्ट टाइम इसको 2001 में ब्रिक का जो शब्द यूज किया ना, ब्रिक ये किया गया था, यहां पर नाम याद रखिएगा इनका, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, तो जे ओ एन के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा, जिम ओ नील जो थे इनके द्वारा बोला गया था उस टाइम पर ब्रिक, बी आर आई सी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर साउथ अफ्रीका तो था नहीं, साउथ अफ्रीका को यहां पर इसमें बाद में ऐड किया गया, साउथ अफ्रीका जो ऐड किया यहां पर इसमें बाद में, वो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड किया, इससे पहले तक यहां पर ओनली ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यहां पर आप लोगों को ये बेसिकली इसके अंदर एस नहीं था, ठीक है। तो यहां पर उस टाइम पर ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना हुआ करते थे, फिर आगे साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसके अंदर एस भी जुड़ गया। तो यहां पर अगर बात करें, इंडिया के द्वारा एज्यूम किया गया ब्रिक की प्रेसिडेंसी, यानी कि जनवरी 2021 में ब्रिक की पावर जो है वो हमारे हाथ में, हम ब्रिक की प्रेसिडेंसी लेकर यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे एनुअल मीटिंग, वो सारी चीजें, जो भी चीजें, तो वो सारी चीजें अभी यहां पर फोकस देकर चली जा रही है, यानी कहने का मतलब ये कि अब सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चला जा रहा है। अगर बात करें ब्रिक क्या क्या चीजों पर फोकस दे रही है, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए अगर आज की डेट में आप लोग देखिए कई सारी कंट्री ऐसी हैं, जैसे कि यूएसए हो गया उसमें से, तो क्या करता है वो यहां पर काटसा एक एक्ट ऐसा रखता है, वो सबको काट के रखता है। क्या मतलब इसका, बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, यानी कि जो भी अमेरिका के दुश्मन है अगर उसके साथ में अमेरिका के दोस्त व्यापार करते हैं तो ये उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे रसिया है, रसिया हमारा दोस्त है, हम लोग रसिया से S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं, तो रसिया से सिस्टम खरीदने पर यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, तो हमारे जैसी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो हर्ट होती है यहां पर, यानी कि हम लोग अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, यूएसए बताएगा हम लोग क्या डिसीजन लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह, ये सैंक्शन लगाने का काम, ये सारी चीजें यार ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बना रखी है, यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनको ये काम दो ना, ये अकेली दादागिरी दिखाने वाली क्या बात है, यूएसए सबके ऊपर दादागिरी दिखा रहा है, तो इनको सबको ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इनसे हम लोग को दूर हटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, जैसे कि अगर अभी बात कीजिए, चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चला है, ठीक है, तो यहां पर हर एक कंट्री के साथ में इसके जो रिलेशन चल रहे हैं, तो इस तरीके से कई बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक न्यू पावर ऑफ सिमेट्री। तो चाइना यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चल रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आ रहा है, एक नया इनिशिएटिव निकल कर आ रहा है, तो इसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। तो कहने का मतलब यह कि मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री की दादागिरी न चले कहीं पर भी, ऐसा है, ऐसा नहीं कि पता चला कल को बोल्ड यहां पर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पता चला चाइना यूएसए बनकर बैठ गया जो आज यूएसए कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो एक पैटर्न को फॉलो करके आप लोगों को यहां पर चलना है, तो यहां पर सबके लिए फायदा होना चाहिए एक तरीके से, इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। लैक ऑफ जो ग्लोबल फ्रेमवर्क, किस तरीके से टेररिज्म आज के डेट में बात कर लें, एक टाइम ऐसा था इंडिया बोलता था यार पाकिस्तान की साइड से टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो ये बोलते थे टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की इंटरनल लड़ाई होती है, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। जब ISI जैसी एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आई, उसने फ्रांस में, इटली में, या यूके में, यूएसए में जाकर बम ब्लास्ट करने स्टार्ट किए, तब इनको लगा यार ये भी एक ऐसी चीज है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में अब तक भी ये बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हाँ कोई नहीं है, फालतू की चीजें, अब यहां पर चीजें खराब होना स्टार्ट हो गई तो इनकी आंखें खुली। साइबर सिक्योरिटी में चाइना ने सबकी नाक में दम करके रखी रखा है, तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में कोरोना ने सबकी ऐसी तैसी करके रखी दी है, तो अब यहां पर मल्टीलेटरलिज्म चलेगा, सब मिलकर साथ में आएंगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा, कोई एक कंट्री अगर दादागिरी दिखाएगी तो वो सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकलने वाला है।
तो इनके द्वारा छह प्रिंसिपल पर फोकस किया गया अभी यहां पर। तो छह प्रिंसिपल कैसे हैं? एक तो इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, यानी कि भाई साहब मिलकर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है, यानी कि साथ साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, तो वो वाली बात चल रही है। इसी के साथ में बात की जा रही है कि कंसल्टेशन करना है और कोलेबोरेशन करना है ताकि सबको फायदा हो सके, तो ये भी एक मुद्दा है काफी ज्यादा। तो मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर फोकस देकर चलना है, क्या रेस्पॉन्स करना है, क्या एक्शन लेना है, एक्शन ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है। मैं बोलता हूं ना कि लाइफ में कहीं भी दिक्कत आए तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है, यानी कि उसका ये देखो ना सॉल्यूशन क्या निकलना है, प्रॉब्लम तो ही है, उसको लेकर गाते रहो यार ये हो गया, ये हो गया, अरे ये हो गया ना यार, अब बताओ ना निकलना कैसे इससे बाहर, बस वही गा रहे हो ये हो गया ये हो गया, तो वो दिमाग खराब करता है, टाइम खराब करता है, उससे बाहर निकलो, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट बोला गया कि इंक्लूसिव सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अकेले गाड़ी लेके भागे जा रहे हो, ठीक है, तो सबको साथ में लेकर चलना है। इंक्लूसिव डिजिटल अगर चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी चला रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो गरीब और अमीर को भी साथ में लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि बस कुछ तबका उठा लिया सोसाइटी का, वो ये बस उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि बस यही बच्चे हैं इन्हीं को पढ़ाना है बस, बाकी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं है। अगर कोई भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके, अगर जिसके अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो वो वाली चीजें यहां पर होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें इंडिविजुअल स्टेट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी कैपेसिटी को, कि यहां पर ऐसा नहीं कल को अकेला कोई आकर दादागिरी दिखाए, तो इसी के साथ में लोगों के सेंट्रिक यानी कि लोगों को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी, ताकि और अच्छे से चीजों को कनेक्ट किया जा सके। तो ये कई सारी बातें सामने निकाल कर लाई गई हैं। तो सिक्स प्रिंसिपल हैं यहां पर मल्टीलेटरलिज्म के, इनको फॉलो करने की बात की जा रही है ब्रिक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए, ब्रिक के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो लेटेस्ट एडिशन कर देना, बल्ले बल्ले हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो होने का कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये है कुछ बातें। आइए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये नेशनल न्यूज के बारे में बात कर रही है, हालांकि ये जो न्यूज है मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस की थी, हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, ड्राफ्ट मॉडल रूल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यहां पर अभी प्रस्तुत करने की बात की जा रही है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब जिस तरीके से अभी क्या करते हैं आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहां पर ये वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, तो आप लोगों का प्रीमियर लगा देता हूं तो आप लोग नीचे कमेंट कर पाते हैं, और हां मैं कमेंट देखता हूं तो पढ़ लिया करो यार, उसका मतलब आप लोगों के सामने जो प्रीमियर लगाया जाता है और जो कमेंट सेक्शन चलता है वो इसीलिए होता है ताकि वहां पर प्रोडक्टिव थोड़ा डिस्कशन कर सको, मतलब अलग ही दुनिया चलती रहती है वहां पर। फिर मैं उसको बंद कर दूंगा, मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, फिर नीचे कमेंट आएंगे, फिर आप लोगों को सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। उसको कुछ यूज करो, प्रोडक्टिव यूज देखो, अपनी पढ़ाई में क्या यूज करना है, अपने आप को कहां पर समय यूटिलाइज करना है वो चीजें देखो, ना कि फालतू में गप्पेबाजी की जा रही है यार, वो चीजें और भी काफी पूरे दिन करते रहते हो, कुछ टाइम तो ऐसा करो सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। हालांकि सीरियस भी बच्चे कई सारे रहते हैं, पर लेकिन जो नहीं रहते हैं वो थोड़ा सा अपना इनको देखो, वरना उसमें ऑप्शन भी आता है, वहां से ब्लॉक किया जा सकता है अगर कोई ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करेगा, तो वो चीजें थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शंस आ रहे हैं वो अलग बात है कि मैं उनको यूज नहीं करता हूँ, हथियार सारे दे रखे हैं यूट्यूब ने, ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी ऑप्शन दे रखे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि उसको ब्लॉक कर दिया गया, वो अपना कमेंट भी करता रहेगा, किसी को दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे भी ऑप्शन है। खुद यूट्यूब क्या करता है, अगर कई सारे उल्टे सीधे शब्द यूज कर रखे हैं जो यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये गलत तरीके के शब्द है, वो उसको रिव्यू में डाल लेता है अपने आप, ठीक है, वो उसको पब्लिश ही नहीं करता है। तो यूट्यूब भी काफी ज्यादा समझदार हो गया आज के डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, तो थोड़ा सभ्य लैंग्वेज को यूज कीजिए, अच्छी थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगे, तो इस तरीके से कि एक पढ़ा लिखा इंसान है वो वाली बातें होनी चाहिए। और आप लोग कोशिश करिए कि अभी जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे फेसबुक पर ग्रुप पे बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट किया कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर दे सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका ढूंढना है, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, टाइम पास करने का तरीका ढूंढने का तो भी मिल जाएंगे, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा तरीका ढूंढना है। तो नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान की बात की जा रही है, ताकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसा शब्द है जो कई जगह आप लोग यूज कर सकते हैं, आईसीटी, यहां पर आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करानी, आसानी से करा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ, कुछ में भी अगर यूज करेंगे तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो कवर किया जा रहा है यहां पर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल है उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा, पहले यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यहां पर ये सुपेस करके एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसके चलते हम लोग एम ये है कि एक लीगल रिसर्च इसके ऊपर की जा सके, और इसी के चलते यहां पर अभी आप लोगों को बताऊंगा पर्टिकुलर जो यहां पर ये बातें बोली जा रही है इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग में या फिर कुछ भी आप लोग यहां पर लिखने के लिए आए तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में यहां पर ये बेसिकली स्वन जो यहां पर स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज जो यहां पर स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस आया 2018 में। तो ये जो केस आया इस केस में ये बोला गया कि अपेक्स कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, यानी कि ये जनता का हक है। आर्टिकल 21 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इसके बारे में जानना है तो उसको ये हक है कि वो इसके बारे में जान सके, तो इसके बारे में बात की गई। इसी के बारे में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा भी यहां पर
जो कि बोला गया फर्स्ट हाई कोर्ट बना जिसके द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की गई, तो ये भी याद रखिएगा फॉलोड बाय कर्नाटका। मैंने आप लोगों को हरियाणा के बारे में बताया था ना, तो उसमें बात की जा रही है वो पर्टिकुलर किस केस में थे, वो मैंने आप लोगों को बताया वो पर्टिकुलर जो थे आप लोगों के चालान वाले केस थे उनके लिए था। नॉर्मल तरीके से इनके द्वारा यहां पर चीजें देखने को मिली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो रूल है यहां पर टेलीकास्ट टू द ओल्ड प्रोसीडिंग, टेलीकास्ट आप लोगों को ओल्ड प्रोसीडिंग ही करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में जो भी केस चल रहे हैं, पर कुछ उसमें यहां पर एक्सेप्शन यानी कि कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब यार किसी का शादी विवाह का मैटर है, मान लीजिए ए पर्सन है वो बी पर्सन से डाइवोर्स लेना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है, अब इनके डाइवोर्स के मामले में हम लोगों को क्या फायदा होगा, तो ऐसे केस नहीं, ये केस नहीं होंगे। जेंडर बेस अगर कोई वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, अगर कोई सेंसिटिव इशू हो गया, कोई रेप का केस चला गया यहां पर, ठीक है, तो वो एक तरीके से वो वाली चीजें आप लोग पब्लिश नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई माइनर इन्वॉल्व है, कोई बच्चा इन्वॉल्व है, अभी पता चला किसी बच्चे का रेप हुआ, ठीक है, आगे चलकर किसी के जो बच्चा है उसने किसी का रेप कर दिया, तो उसकी अभी जिंदगी पड़ी हुई है, तो उसको कैसे लेकर चलना है ताकि जनता में पता चला जब भी वो कहीं पर आए तो उसको मीडिया के द्वारा कवर करने की इजाजत नहीं दी जाती है, ठीक है। बाकी अगर लगे यहां पर कोई बेंच के द्वारा कोई ओपिनियन कि यहां पर इसको नहीं करना है पब्लिश, तो यहां पर बेंच अपना डिसीजन ले सकती है। अगर कोई बेंच के द्वारा डिसीजन ले लिया गया है उसको आप लोग ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जिसमें कम्युनिटी के अंदर कोई लड़ाई हो जाए, अगर कोई ऐसा केस है, तो उसको यहां पर बेंच डिसाइड करेगी इसको पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग ऐसे कीजिए, मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, और मुझे लगता है ये वीडियो पर रिएक्शन कैसे आनी है मुझे अगर देखना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यूट्यूब में एक ऑप्शन है कि एक वीडियो आप लोग बना दीजिए ओनली मेंबर स्पेसिफिक, यानी कि ये ओनली जो मेंबर जो है आज की डेट में जिन्होंने मेंबरशिप का पार्ट बने हुए हैं बस उन्हीं को वो वीडियो दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कम मेंबर है यहां पर, ठीक है, तो उनको वीडियो दिखेगी, तो उनसे एक रिएक्शन देख लूंगी पहले उनकी रिएक्शन कैसी आ रही है। अगर मुझे लग रहा है कि उनकी रिएक्शन अच्छी है इसमें, तो फिर सबके लिए उसको पब्लिश कर दूं बाद में चलकर। अगर मुझे लग रहा है कि इनके लिए इनकी रिएक्शन अच्छी नहीं आ रही यहां पर जो मेंबर ज्वाइन कर रखे हैं, और बाकी के सबके लिए उसको पब्लिश करने से अच्छा है, पता चला आगे चल के उसमें दंगे हो गए, बवाल हो गया कुछ, तो उस टाइम पर क्या करें, उस टाइम पर फिर उसको मत करो वहां पर, और उसको वहां से भी हटा दो या फिर वहां पर पड़ी रहने दो, वहां पर कम लोग देख रहे हैं, तो रिएक्शन देखने के लिए चेक करने के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में अगर आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना है, उन्हें कैसे आप लोगों को अगर पढ़ाना है, तो पहले एक दो बंदों को पढ़ाना देख लीजिए, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोगों के अंदर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आप लोग आगे सबके लिए पढ़ा सकते हैं, तो उस तरीके से बोल रहा हूं बेसिकली मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहले आप लोग उसको चेक कर लीजिए कि वो पता चला सोसाइटी में उसकी वजह से कुछ दंगे फसाद हो गए, ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए यहां पर, अगर जो बात की जाए एक तरीके से, तो लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ ऐसा भी है कि आप लोगों को लगता है किसी के खिलाफ यहां पर ऑब्जेक्शन है इसमें, तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि नहीं ये पब्लिश नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी यहां पर सोचा जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर ड्राफ्ट किया जाएगा अलाउ करने के लिए, जो भी यहां पर आर्काइव है उसके अंदर इसको कोर्ट की प्रोसीडिंग को 6 महीने तक इसके अंदर अलाउ किया जाएगा, आप लोग उसको डेटा को जो भी चाहे यूज कर सकते हैं या फिर वो भी चीजें हैं। तो ऐसा है कि यहां पर कुछ लिमिटेशन भी लगा रखी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जिसके चलते चीजों को आराम से लेकर चल रहे, ऐसा नहीं कि बस आनंद फानन में सारी चीजें पब्लिक में आ जाएंगी, उसके चलते कई बार दिक्कत भी देखने को मिल जाती है। बाकी ऑथराइजेशन क्या होना चाहिए, जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उसका, तो यहां पर ये कोर्ट के हिसाब से परमिट किया जाएगा पहला तो ये, और बाकी जैसे कि न्यूज एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग एकेडमिक या फिर एजुकेशनल पर्पज के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हैं परमिशन के बाद में, ऐसा नहीं कि फालतू में उसको कमर्शियल के पॉइंट ऑफ से यूज करें, यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये कंटेंट क्या कॉपी कर कोई इसको बेच रहा है या फिर इसी की पीडीएफ को प्रिंट निकाल कर बेच रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से इलीगल है, तो मैं चाहूं तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, क्योंकि कंटेंट क्रिएट किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। अब कोई इसको तुरंत बोले यहां पर कि मुझे बस इसकी पीडीएफ बेचनी है, तो इससे क्या होगा, तो इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि एक को इसको कमर्शियल बेनिफिट के लिए आप लोगों को यूज नहीं करना है, ठीक है। किसी को पढ़ाना है अगर, तो हां आप लोग पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को लग रहा है कि चीजें पढ़ानी है किसी को उठाकर, तो आप लोग खुद अगर चाहें तो इनको पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को लग रहा है अगर आप लोगों को मेहनत लग रही है, ठीक है, तो इसको उठाकर पीडीएफ को आप लोग क्या करिए, आप लोग पढ़ा दीजिए किसी को, अगर आप लोगों को लग रहा है यहां से पढ़ के आप लोगों ने सुन लिया मेरे से, ठीक है, खुद पढ़ा दीजिए जाकर किसी को आप लोगों को पढ़ाना है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है यहां पर उसके बारे में अगर बात करें, तो डिस्कशन अमंग जज उसके ऊपर, यानी कि कोई जज डिस्कशन कर रहे हैं केस के ड्यूरेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन चल रहा है, ये नहीं वो भी आप लोग टेलीकास्ट करोगे, नहीं वो टेलीकास्ट नहीं होनी है, ठीक है, वो तो वो डिस्कशन कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। प्रोहिबिट किया जा रहा है शेयरिंग करने के लिए जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कोई इस तरीके से कि जिसको रोक दिया गया, जो अनऑथराइज है कोर्ट के द्वारा बोला ये अनऑथराइज है, उसको आप लोग कहीं भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं करोगे आप लोग, कोई आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बना रखा है उसका प्रमोशन करना है उसके साथ में, उसमें नहीं करोगे, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आप लोग करोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि ये पीडीएफ है आप लोग यूज कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, पर ऐसा नहीं कि आप लोग ये पीडीएफ उठाएं और फिर यहां पर बोले कि ये तो पीडीएफ मैंने बेचनी है ले जाकर, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। पता चला पीडीएफ ये मैंने बना रखी है पूरी, इसमें लगा लगा कर अपने लिंक लगा लगा कर कोई और सामान बेचने स्टार्ट कर दिया कोई दूसरा ही, ठीक है, कुछ और एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट, नहीं आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ा सकते हैं बस, उससे फालतू तो कुछ नहीं, यानी कि आप लोग इसे पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वो वाली चीज आप लोग यहां पर एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं, यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि जिसका
ओरिजिनल कंटेंट है कोर्ट का, तो कोर्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कोर्ट का कंटेंट है ओरिजिनल, तो अगर वो आप लोगों को बोलता है कि ऐसा करना है तो आप लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो पॉसिबल यहां पर कई सारे बेनिफिट है, तो जल्दी जल्दी चीजें मिल जाएंगी लोगों को, टाइमली टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कोई खर्चा भी नहीं आएगा ज्यादातर, एक तरीके से कहीं जाना है जाकर रहना है तो ऑनलाइन अगर चीजें हो जा रही है, कंसर्न भी कई सारे हैं, मैन पावर लगेगी, कई सारे लोगों के पास में लैपटॉप नहीं है, उसको कैसे चलेगा काम, ठीक है। कई सारे जज भी आज के डेट में भी जो है ऑनलाइन चीजों से ज्यादा अपने आप को नहीं अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये नहीं कोर्ट वगैरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं हमारी कंट्री में, तो इनका पर्पज ये कि पहले चीजों को ढंग से इंडिपेंडेंट करके समझा जाए और उसके बाद में इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोग्राम चल रहे हैं बैकग्राउंड में, पर देखते हैं रिजल्ट कब तक निकलता है, ठीक है। तो ये हो गई बातें, आगे बात करें, बड़ा ही प्यारा ये आर्टिकल है यहाँ पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में 2005 में ये एक्ट लाया गया, और अभी यहां पर ये एक्ट जो है कई बार इसके कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो यूज किए गए, सेक्शन 51 अभी कई बार यूज हो गया यहां पर। सेक्शन 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये यूज किया गया, फॉर्मर जो चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, उनको सो कॉज नोटिस इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी बातें करता हूं ताकि आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। अब पहले तो ये समझिए सो कॉज नोटिस का क्या मतलब है यहां पर। सो कॉज नोटिस जो है यहां पर, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई डायरेक्शन दी गई है, वो डायरेक्शन अगर फॉलो नहीं की गई है जिस पर्सन को वो बोली गई थी, तो फिर आप लोग सो कॉज नोटिस इश्यू कर सकते हैं। हुआ क्या था, यास साइक्लोन की रिव्यू मीटिंग चल रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, तो यहां पर अटेंड करनी थी, तो यहां पर उसको अटेंड नहीं किया गया, तो इसके चलते सो कॉज नोटिस दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से। तो यहां पर वो कंडीशन देखने को मिली, तो इसके चलते यहां पर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि क्या क्या यहां पर पनिशमेंट है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर रिफ्यूज कर देना कंप्लाई करने के लिए, इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी इस तरीके से अगर कोई रिफ्यूजल किया जाता है तो उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसके लिए यहां पर सो कॉज नोटिस दिया जाता है, और इसके तहत यहां पर फिर पनिशमेंट भी देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि यह प्रोविजन ऑलरेडी है, तो प्रोविजन किसके अंडर में ये सारी चीजें आती हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगर कल को चल के आप लोग पोस्ट पर जाते हैं तो आप लोगों को पता है कहां पर पंगे लेने हैं कहां पर नहीं लेने हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में अगर बात करें उसके अंडर में आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि IAS, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहां पर अगर बात की जाए तो ये किसके द्वारा इशू किया गया, तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा ये जो इशू किया गया ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये पूरा स्टेप उठाया जा रहा है। तो यहां पर ये आएगा कि होम मिनिस्ट्री यहां पर कैसे काम कर पा रही है यार, IAS तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आते हैं, IPS होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो यहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके तहत यहां पर ये काम चल रहा है, तो उसके अंदर प्रोविजन है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर आप लोग इस तरीके से सो कॉज नोटिस दे सकते हैं अगर किसी ने यहां पर कंप्लाई नहीं किया है जो आप लोगों ने उनको करने के लिए काम बोला था, ठीक है। पहले भी यहां पर इसको यूज किया गया, अभी रिसेंटली जब बोला गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये सेक्शन यूज किया जाएगा अगर कोई पब्लिक में थूकता है, जब COVID-19 के चलते जो चीजें चल रही थी तो उस टाइम पर पनिशेबल ऑफेंस उसको बनाया गया। इसी के चलते आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया तो दिल्ली गवर्नमेंट के दो ऑफिसर को यहां पर ये सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डायरेक्शन दी गई कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से फॉलो नहीं की है, तो ऐसा है कि यहां पर इसके तहत आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा हेड की जाती है, यानी प्राइम मिनिस्टर के साहब के द्वारा हेड की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर DM इसको ऐड करते हैं और चीफ मिनिस्टर यहां पर CM स्टेट लेवल पर। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी यहां पर क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर ये फॉलो नहीं करते हैं जो रेगुलेशन दी गई है, जी हाँ बिल्कुल, एक साल की पनिशमेंट और या फाइन या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक साल के लिए जेल में डाला जा सकता है या फिर फाइन लगाया जा सकता है जो इनको सुटेबल लगे, या फिर आप लोग बोले यहां पर अगर बात की जाए अगर इस केस में इनके द्वारा जो यहां पर अपनी ड्यूटी करनी थी उसमें ये ड्यूटी नहीं कर पाए और किसी इंसान की डेथ हो गई है तो इसको 2 साल तक के यहां पर इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि इसकी वजह से डेथ हो गई, आप लोगों ने ये फॉलो नहीं किया, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर अगर क्या इसका कोई ऐसा भी है कि यहां पर आप लोग अपना जान बचा सकते हैं, जी हां आप लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, अगर आप लोग एक वैलिड रीजन अगर दें, ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पर बात करें कि हां एक्शन न लीजिए क्योंकि ये रीजन है हमारे पास में, ठीक है, तो विदाउट रीजनेबल कॉज अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग यहां पर एक्शन लिया जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोगों ने रीजन दे दिया, ठीक है, आप लोगों ने एक लॉफुल एक एक्सक्यूज दिया वहां पर जाकर, ठीक है, क्या इसकी वजह से चीजें हम लोग फेल हो गए इसको परफॉर्म करने में ड्यूटी को, तो आप लोग बच जाएंगे। पर लेकिन अगर प्रॉपर आप लोगों ने कोई एक्सक्यूज यहां पर ऐसा नहीं मिला तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें इस एक्ट के तहत, तो यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पार्लियामेंट के पास द्वारा पास किया गया 2005 में, तो यहां पर एक इफिशियंट मैनेज किया जाता है डिजास्टर, कोई सुनामी आ गया, कोई यहां पर बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो उसको मैनेज करने की बात की जाती है। 2006 में जनवरी में इंप्लीमेंट किया गया फर्स्ट टाइम कंट्री के अंदर COVID-19 पेंडेमिक के टाइम पर, ये जो इसका सेक्शन था ये इन्वोक किया गया जिसकी वजह से न्यूज में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है।
कुछ भी लिखने के लिए आ जाए कुछ ऐसी चीजें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्यारी प्यारी मोटी मोटी वो नहीं कहते, कुछ कही कुछ अनसुनी बातें, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है एक रैंकिंग के बारे में जिसको बोलते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की, अभी यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो उसके चलते क्या क्या चीजें इसको समझ लेते हैं। तो ये जो रैंकिंग है ये यहां पर जो अभी प्रस्तुत की गई है, हमारी कंट्री की क्या क्या चीजें यहां पर रही तो उसके बारे में जानेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या क्या परफॉर्म करें इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है 2022 की, यहां पर ये इंडिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। पांचवी साल भी हम लोग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिसमें हम लोग चल रहे हैं, अगर बात की जाए टॉप 200 के अंदर, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो USA के अंदर में है, ये लगातार पहली पोजीशन यहां पर बरकरार किए हुए है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकंड यूनिवर्सिटी है यहां पर, यह यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड UK की। थर्ड यूनिवर्सिटी यहां पर सेंट फोर्ड जो यूनिवर्सिटी USA की, और फोर्थ है यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK की। तो ये टॉप फोर है यहां पर ये। बाकी एशिया की बात करें तो ओनली जो ग्लोबल में अगर बात करें टॉप 20 के अंदर में, तो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है ऑफ सिंगापुर, इसी के साथ में यहां पर यह है नन्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। चाइना की यहां पर है यह सिंगवा यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ में पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना की है। तो बात की जाए तो ये मतलब आप लोगों को टॉप 20 में देखने को मिलेगी। तो ये तो कर ली इनकी बातें, आइए अब करते हैं अपनी बातें। इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें, ओवरऑल टोटल मिलाकर 22 इंडियन इंस्टीट्यूट है टॉप 1000 के अंदर में, तो काफी अच्छी रैंक आप लोग नहीं बोल सकते इसको। कंपेयर टू 21 थे 2021 में, अभी यहां पर 22 हो गए, इनके एक और बढ़ गया है। तो ये महान उपाधि किसको मिली है जो बढ़ गया है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है पहली बार इसमें एंटर की है, यहां पर 1000 के अंदर फर्स्ट टाइम यहां पर जवाहरलाल नेहरू का नंबर है। इससे पहले यहां पर 177 जो पोजीशन थी IIT बॉम्बे की, जो टॉप है हमारी कंट्री में फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। रैंक IIT जो यहां पर दिल्ली की 185 है, 186 जो है यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो यहां पर पहले ये हुआ करता था, अब IIT दिल्ली आ गया, ठीक है। इंडियन जो इंस्टीट्यूट है यहां पर अगर उनके बारे में बात की जाए तो इंप्रूव्ड है उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिक रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ से और रिसर्च के पॉइंट ऑफ से, जिसके बेस पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। पर लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं टीचिंग कैपेसिटी के अंदर में। टीचिंग में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हो गए ज्यादा और आज के डेट में टीचर हो गए कम जो सही लेवल पर पढ़ा पा रहे हैं, तो इसके चलते टीचिंग की कैपेसिटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी नो इंडियन यूनिवर्सिटी आज तक देखा जाए टॉप 250, अगर बात की जाए फैकल्टी रेशियो के बारे में बात की जाए तो टॉप 250 ऑफ फैकल्टी रेशियो जो है स्टूडेंट के साथ में, तो वो आप लोगों को प्रॉपर नजर नहीं आएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक जो है अमंग 250 में, तो स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रेशियो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट हो गए और जो फैकल्टी है वो वहां पर कम देखने को मिल रही है। तो उसके चलते हमारी जो रैंकिंग है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, हमारी रैंकिंग वो सही निकल कर नहीं आ रही है, तो इसी के चलते भी यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसकी रैंकिंग सुधारनी है, तो अच्छे अच्छे टीचर आने चाहिए। आप लोगों ने रिजर्वेशन की बात चली थी टीचर के अंदर, यहां इनको रिजर्वेशन देना है, वो सारी बातें, ठीक है, तो चीजें देखने को मिली। टॉप 10 रैंक मैंने आप लोगों ने यहां पर दे रखी आप लोगों को, तो यहां पर USA UK USA UK USA USA UK स्विट्जरलैंड की आ गई, फिर आठवें नंबर पर UK और USA, तो टॉप 10 में सारी UK और USA की देखने को मिलेगी इसके अंदर में। इंडिया की रैंक 177 185 186 255 277 280 395 400 फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला एरिया, ठीक है। अब यहां पर जो रैंक है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर। अलग अलग स्ट्रीम में भी रैंक निकाली जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिल रही है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक आइडिया आप लोग रखिएगा, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो बात आ रही है नासा से निकलकर, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इनके द्वारा अभी यहां पर द विंसी प्लस और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, यह है यहां पर वेरिस्टास, ठीक है। तो दो करके यहां पर अभी प्रोग्राम लॉन्च किए गए, किसके लिए लॉन्च किए गए तो वो आप लोग समझिए एक मिनट के लिए। यहां पर यह है इनके वीनस के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर पृथ्वी से आप लोग जाएंगे तो इस साइड में हो गया मार्स और इस साइड में हो गया वीनस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हो गया वीनस और राइट साइड में हो गया मार्स, तो यह बात की जा रही है यहां पर किसके लिए, बात की जा रही है वीनस के लिए, ठीक है। तो वीनस के लिए यहां पर यह बातें की जा रही है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं यहां पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हमारी कंट्री का भी इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों से कोई पूछे यहां पर, जी हाँ हमारी कंट्री का भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो वो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो बाकी मार्स के बारे में आप लोगों ने काफी सुनाई है, अभी वीनस के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें आप लोग जान पाएंगे। तो बेसिकली यहां पर दो तरीके से, एक तो एनालाइज किया जा रहा है यहां पर इसका एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर यह माना जाता है कि इसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, जिसके वजह से इंपैक्ट देखने को बात की जा रही है कि क्या यहां पर कभी पॉसिबल था
होगा कि पानी यहां पर रहा हो, कुछ ऐसी चीजें। बाकी इसका जो एक तो एटमोस्फेयर को चेक करेगा जो कि यहां पर दा विंसी करके है, और एक यहां पर जो इसका जियोलॉजी यानी कि जो भूगर्भ है उसके बारे में बात करेगा जिसका नाम है यहां पर वेरिस्तास। ठीक है, तो यहां पर ये दो प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी लार्ज स्केल पर है तो उसको चेक किया जाएगा। प्रीवियस मिशन यहां पर यूएसए के 1962-1974 ठीक है, पॉइनियर वेनस जो यहां पर वीनस देखने को मिला, इसके लिए पॉइनियर जो वेनस 2 देखने को मिला तो ये 1978 में। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर मेगालन 1989 में। रशिया के भी हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, जापान के भी हैं, यूरोप के भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमारा है यहां पर ये शुक्रयान, ठीक है, तो शुक्र ग्रह बोले कि शुक्र ग्रह, ठीक है, तो वीनस के लिए शुक्रयान है हमारा 2024 में ये जाना है। तो यहां पर वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम सन, अगर बात करें सिक्स सोलर साइज में, अगर मास में आप लोग देखें 6 नंबर पर आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो पैलेस्टीन के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ क्या था, पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए कई सारी कंट्री के द्वारा ये बनाया गया कि यार कोई एक कमीशन बनाओ जिससे यहां पर चेक किया जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के थ्रू कि यहां कमीशन बनाया जाए परमानेंट, और ये देखा जाए कि गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीन के अंदर क्या ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है, किस तरीके से क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो ये अभी अडेप्ट कर लिया गया, 24 जो मेंबर है उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, 9 के द्वारा अगेंस्ट में वोट किया गया और 14 जो थे वो एब्सटेन हो गए। एब्सटेन का मतलब क्या है, हम लोग वोट डालने जाएंगे नहीं, यानी कि एक तो गया वोट डालने उसने इसको दिया या फिर इसको दिया, दूसरा बोला कि हम लोग वोट डालने जाएंगे नहीं, तो 14 ऐसे थे जिन्होंने वोट डालने से ही मना कर दिया। तो अभी इंडिया के द्वारा भी यहां पर वोट डालने से मना कर दिया, तो पैलेस्टीन यहां पर गुस्से में आ गया, बोला कि यार ह्यूमन राइट का इशू था, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था पर इंडिया ने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से यहां पर अभी न्यूज देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो बेसिक कई बार ऐसी चीजें सामने निकल कर आती हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, बेसिकली हम लोग आपको बेसिकली बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इंडिया का स्टैंड जो है वो इस तरीके से एक बेसिक स्टैंड रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा भी इधर उधर चीजें न पहुंचे। ठीक है, तो इसके बारे में बातें की जा रही है, तो यहां पर इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था डिस्कशन, आइए जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने। तो ये बातें कुछ हम लोगों ने देखी, बाकी इसके साथ में हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी। ठीक है, शॉर्ट न्यूज में यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना, ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की स्टेट और यूनिवर्सिटी के जो एनजीओ के बारे में, इसी के साथ में हम लोगों ने मैंगो के बारे में बात की, नेक्स्ट हम लोगों ने चावल के बारे में बात की, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर किताब के बारे में बात की, अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बताइएगा जरूर, एप्पल के बारे में बात करी, ठीक है, खाने पीने की बात काफी हो गई वैसे आज, ब्रेक के बारे में हम लोगों ने बात करी, ठीक है, नेशनल जो ड्राफ्ट रूल के बारे में बात की कोर्ट के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग और वो सारी चीजें, ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने फिर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में जो QS जो रैंकिंग है उसके बारे में कुछ बातें की, इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो यहाँ पर बेसिकली जो यूएसए के जो मिशन है बेसिकली उनके बारे में बात की, इंटरनेशनल पे बात करें तो हम लोगों ने आप पैलेस्टीन वाले मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, CARA क्या है, इसके तहत युवा की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट आता है, अगर बात करिए केस का नाम कौन सा है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रहा था, कौन सा आर्टिकल बोलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ये किसका एक्ट का सेक्शन है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी को यहाँ पर बोला गया, अभी यहाँ पर ये बेसिकली 1000 रैंकिंग की हमारी कंट्री में कौन सी अभी यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया, इनिशिएटिव कौन सा है इंडिया का जो वीनस के लिए है ये बताना है। ठीक है, तो ये है, बाकी ये आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए थे कल, नेशनल डिजिटल जो मिशन है ये इंप्लीमेंट किया जाता है NHAI के द्वारा, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, कौन सी मिनिस्ट्री है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंदर सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कौन कौन सी है, वर्ल्ड ओशन डे और इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी, मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कितना आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना होता है अगर आप लोग जा रहे हैं उसे फालतू नहीं देने। ठीक है, 2020 रिफॉर्म किसके बारे में, गोवर्धन स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग जो टॉयलेट बनाने की बात की जा रही थी, और कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करती है। ठीक है, तो नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा इंप्लीमेंट करने वाली है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है यहाँ पर बेसिकली नेशनल कैडेट कॉर्प सेंटर पर, और स्टेट के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री, 8 जून को ओशन डे और लाइफ जो यहाँ पर एंड लाइवलीहुड के बारे में बात की जा रही है थीम है यहाँ पर, ये अगर आप लोग किराया दिया जाएगा तो मैक्सिमम 2 महीने का आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसे फालतू नहीं देंगे, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए 6 महीने का, डिफेंस मिनिस्ट्री का 2020 रिफॉर्म इन 2020, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज गोवर्धन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की थी, स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, और कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है यहाँ पर ये ब्यूरो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, तो अपना ध्यान रखिएगा, बाकी लेक्चर कैसा लगता है जरूर बताइएगा, आप लोग इसको
रेट कर सकते हैं 10 में से क्या रेट देंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं रेगुलर रेट करते हैं, अच्छा लगता है। एक बच्चा बोला सर डेली रेट किया जाएगा क्या, डेली लेक्चर बनाता हूँ ना मैं, बोल दूँ एक दिन लेक्चर बना के कि यार डेली लेक्चर बनाऊंगा क्या। एक सेकंड लगते हैं यार आप लोगों को रेटिंग करने में। इससे आप लोग बता सकते हैं कि लेक्चर के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आज के लेक्चर के अंदर क्या नया जानने को मिला, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।